अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोगों से कि हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकें। जनाब, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो जो है वो प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है और ये माइक्रो फाइनेंस बैंक से रिलेटेड है और माइक्रो फाइनेंस बैंक का नाम है खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक। अच्छा, बहुत से लोग मुख्तलिफ सवाल कर रहे थे खुशहाली माइक्रो फाइनेंस के हवाले से, क्योंकि इस वक्त दो ही माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं जो बहुत ही टॉप पर है, एक है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक और दूसरा है खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक। अच्छा, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के बारे में लोग क्योंकि जानते हैं कि वो यू फोन वालों की कंपनी है और यू फोन जो है वो पीटीसीएल वालों की कंपनी, यानी कि ओवरऑल यू फोन हो या यू बैंक हो, ये दोनों आपका पीटीसीएल की सब कंपनी है। लेकिन खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक के बारे में थोड़े लोग कंफ्यूज होते थे। अच्छा, देखिए, ये खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की वेबसाइट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है और यहाँ पे अगर फ्रंट पे देखें, मैं अभी अपनी वीडियो की तरफ नहीं गया, यहीं पर है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिक्लेयर्ड द बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक ऑफ पाकिस्तान 4 ईयर्स रनिंग। 4 साल से 4 साल तक जो है वो बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक का अवार्ड जो है वो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस ने हासिल किया है। और ये बेस्ट माइक्रो फाइनेंस का अवार्ड किसने दिया है, ये दिया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 4 साल तक, मतलब 2018 का अवार्ड, 2019, 2020 और 2021, ये 4 साल के का अवार्ड जो है बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक का अवार्ड जो है वो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक को मिला है 2018 से लेकर 2021 तक। तो जनाब, अगर आप ये सवाल पूछते हैं कि खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो कैसा बैंक है, तो आपका जवाब आपके सामने मौजूद है, इनकी वेबसाइट पर ही मौजूद है, ठीक है। और डिक्लेयर कौन कर रहा है, डिक्लेयर भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कैसा बैंक होगा। 4 साल तक इसने बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक का अवार्ड हासिल किया है। जनाब, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की जी जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट। इसके हवाले से, ये खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की प्रोडक्ट है या अकाउंट है, खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट। प्रॉफिट रेट बहुत शानदार है इसका और प्रॉफिट रेट बढ़ता ही चला जा रहा है, वो किस तरह मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ी सी वीडियो की तरफ देख लेता हूँ, फिर मैं आपको मज़ीद कुछ टिक्स दूंगा, ठीक है। तो जनाब, प्रॉफिट ये जो इन्वेस्टमेंट आप कम से कम 25,000 से कर सकते हो और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, जितना चाहे उतना करें। अच्छा, प्रॉफिट रेट जो है 22.50% है, लेकिन इससे ज़्यादा भी आपको मिल रहा है, वो मैं बताऊंगा आपको किस तरह मिलेगा। 22.50 से भी ज़्यादा, अगरचे 22.50 भी बहुत है, लेकिन ये कम से कम है, इससे ज़्यादा भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है, वो मैं आपको आगे वीडियो में आगे बताऊंगा। अच्छा, मज़ीद डिटेल देख लेते हैं। प्रॉफिट पेड मंथली बेसिस, हर महीने आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट कम से कम 25,000 से होगी, ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं। अच्छा, उसके अलावा क्या है, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम फैसिलिटी अक्रॉस वन लिंक, ठीक है, एटीएम फैसिलिटी मौजूद है। इंस्टेंट एसएमएस अलर्ट्स ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन की आपको एसएमएस मिलेगी। चेकबुक भी मिलेगा आपको, आईबीएफटी फैसिलिटी भी है और 24 आवर्स कॉल सेंटर की सर्विस भी है। अच्छा, दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों को और बता दूं, चूँकि सेविंग अकाउंट है तो इस पर ज़कात भी कटेगा, तो अगर आप चाहते हैं ज़कात ना कटे तो CZ50 यानी कि ज़कात अंडर टेंशन जमा करवा देंगे, तो ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, इसके अलावा विथहोल्डिंग टैक्स है, तो विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो नन फाइलर पे, कैश विड्रॉल पे, तो आप चाहते हैं विथहोल्डिंग टैक्स से बचना तो आप 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन पर डे करें तो विथहोल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा, या फिर आप कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेकबुक से या फिर पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट से ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपका विथहोल्डिंग टैक्स बच जाएगा। अच्छा जनाब, इसके अलावा इनकम टैक्स है, फाइलर पे 15% और नॉन फाइलर पे 30%, तो आपने पे करना ही करना है। अभी मैं आपको जब इसका प्रॉफिट बताऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका नेट प्रॉफिट तमाम टैक्स काटने के बाद क्या बचता है। मज़ीद आप लोगों को बता दूं कि आप अकाउंट खुलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको खुशहाली किसी भी करीबी खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक का विज़िट करें आप, ठीक है, और अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाएं। इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो एक अदद इनकम प्रूफ चाहिए होगा। इनकम प्रूफ में आप जॉली जॉब कार्ड की कॉपी भी दे सकते हैं, सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो अपनी कंपनी से एक लेटर ले लें कि हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका बैंक अकाउंट खोल दें, तो आपका अकाउंट इंशाल्लाह खुल जाएगा। इसके अलावा एक फॉर्म होता है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, वो तो आजकल बैंक वाले खुद ही भर के दे देते हैं, स्टाफ जो है खुद ही भर के देता है, आपने सिर्फ साइन करना होता तो आप साइन कर देंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो खुल जाएगा।
अच्छा जनाब, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि इसका जो प्रॉफिट है वो कम से कम 22.50% है। मतलब ये कि खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट आप बुक करवाते हैं तो 22.50% जो मंथली आपको प्रॉफिट मिलेगा ये कम से कम है। अच्छा, कुछ लोगों को 23% भी मिल रहा है प्रॉफिट और कुछ लोगों को 23.50% भी मिल रहा है। मतलब ये कि अगर आप 50,000, 25,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2,000, 2 लाख का आप लेते हैं खुशहाली इजाफा, तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 22.50% के हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर आपकी अमाउंट 10 लाख होगी तो आप जो है वो ब्रांच जाने के बाद ब्रांच अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर से या ऑपरेशन मैनेजर से कहेंगे कि आपकी अमाउंट 10 लाख है तो आपको जो है इसका प्रॉफिट जो है वो 23% है, क्योंकि 10 लाख पे आपने बहुत से लोगों को 23% दिया है प्रॉफिट। तो वो एक अप्रूवल होती है जो उनको लेनी होती है, या जनरल अप्रूवल लेके रखते हो, वो आपका 23% पे बुक कर देंगे अगर आपकी अमाउंट 10 लाख तक की है। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको 22.50% पे ही बुक कर देगा। इसके अलावा अगर आपकी अमाउंट तकरीबन 50 लाख तक की है तो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक वाले जो 50 लाख पे तकरीबन 23.50% भी प्रॉफिट दे रहे हैं, तो ये भी आपको वहाँ पे बोलना पड़ेगा कि मेरी अमाउंट इतनी ज़्यादा है तो आप मुझे जो प्रॉफिट रेट है वो बढ़ा के दें, 23.50% तक दें, क्योंकि बहुत से बैंक भी दे रहे हैं और आप खुद भी दे रहे हैं। तो फिर वही छोटी सी एक अप्रूवल होती है। अब तो जनरल अप्रूवल भी ले ले रहे हैं ये लोग हेड ऑफिस वालों से, या फिर एक मेल करेंगे, 2 मिनट में उसका रिप्लाई आ जाता है और आपको 23.50 के हिसाब से प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छा, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस की डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ कितना शानदार बैंक है। 4 साल तक जो स्टेट बैंक का अवार्ड मिलता रहा इसको, बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक है, यानी कि 2018, 2019, 2020 और 2021 तक बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक का अवार्ड जो है वो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक को मिलता रहा। अब चलते हैं जनाब प्रॉफिट की तरफ। जनाब, आपका जो साल का प्रॉफिट बन रहा है वो 23,500 बन रहा है 1 लाख पे, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,958 रुपये। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 294 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,665 रुपये जो आपका मंथली प्रॉफिट बन रहा है 23.50% के हिसाब से, अगर आपने स्कीम लिया है या टर्म डिपॉजिट बुक करवाया है खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक ने। टर्म्स एंड कंडीशन में आपको बता चुका हूँ किस तरह आप 23.50% का प्रॉफिट ले सकते हैं, ये मैक्सिमम प्रॉफिट मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1 लाख का प्रॉफिट बनना है 1,665 रुपये अगर आप फाइलर हैं। तो नॉन फाइलर की बात कर लें जनाब, साल का प्रॉफिट बनेगा आपका 23,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,958 रुपये, 30% टैक्स है नॉन फाइलर पे, जिसकी अमाउंट बननी 588 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,371 रुपये जो है आपको मंथली प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा अगर आप नॉन फाइलर हैं। तो रिक्वेस्ट आप लोगों से यही कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो अपने आपको फाइलर में कन्वर्ट करवा दें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो जनाब क्या ज़बरदस्त और शानदार जो है वो खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट है खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक का, और माइक्रो फाइनेंस बैंक के हवाले से जो आप लोग बातें पूछते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो 4 साल तक इसको लगातार जो है बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक का अवार्ड मिलता रहा। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।